फ्रेंड्स, ये सब देख के ना मुझे लग रहा है कि मैं फॉरेन कंट्री में हूँ अभी। तो देखिए क्या लुक है ना, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है मतलब ये देख के। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं, वेट मैं बसंती को पूछ लेता हूँ। सो बसंती बोलिए, हम लोग कहाँ जाने वाला है? उमियाम लेक। सो गाइस, बसंती ने बोला हम लोग जा रहे हैं उमियाम लेक। सो गाइस, हम लोग अभी जाएंगे उमियाम लेक और पूरा उमियाम लेक आप लोगों को दिखाएंगे। सो अभी ज़्यादा देर नहीं करते, सो चलते हैं। आते-आते रास्ते में एक वाटरफॉल मिला, बहुत अच्छा व्यू है, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इधर थोड़ा रुका। और देखिए ये मेरे बैक साइड पे इतना अच्छा वाटरफॉल। गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया ऑर्किड लेक रिजॉर्ट। तो अभी फुल ऑर्किड लेक रिजॉर्ट दिखाएंगे, सो देखते रहना। ऑर्किड लेक रिजॉर्ट से शिलोंग है 17 किलोमीटर और दूरी पे है 17 किलोमीटर्स। तो आज शिलोंग जा सकता था, लेकिन शिलोंग नहीं जाएंगे क्योंकि शिलोंग का ट्रिप नेक्स्ट किसी और दिन पे करेंगे। पूरा शिलोंग आप लोग को कवर करेंगे, पूरा दिखाएंगे व्यू। तो आज मैं सिर्फ उमियाम लेक को ही दिखाएंगे, तो बहुत अच्छा व्यू है देखिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आप लोगों को? उमियाम लेक है गुवाहाटी से 70 किलोमीटर्स दूरी पे। सो ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत अच्छा रोड है, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। सो आप लोग भी आना, बहुत अच्छा प्लेस है ये देखिए। फ्रेंड्स, ये सब देख के ना मुझे लग रहा है कि मैं फॉरेन कंट्री में हूँ अभी। तो देखिए क्या लुक है ना, बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है मतलब ये देख के। सकते हो बोट करने के लिए ये सब लाइफ जैकेट है, तो जब हम लोग बोट पे जाते हैं ना तो ये लाइफ जैकेट पहनना पड़ता है। मैं पहले भी आ चुका हूँ, मैं आया था 2016 में जनवरी में शायद, तो वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आया था, तो बहुत अच्छा। गाइस, अभी बहुत बारिश दे रहे हैं, इसलिए मैं अभी वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। देख सकते हो कि मैं ये कहाँ पे किस रूम पे आ गया। सो फ्रेंड्स, जब तक बारिश कम नहीं होगा तब तक मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा। बारिश कम होते ही मैं चलाऊँगा जेट स्की, जो है बाइक की तरह जो होते हैं ना पीछे चलते हैं,
वो चलाऊंगा। उसका टिकट प्राइस है बोला है 400, तो 400 बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं वो 400 टिकट खरीद के आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप देखते रहना और अच्छा लगा तो एक। गाइस अभी मैं जेट स्की चलाने वाला हूँ, तो आप लोगों को जेट स्की चला के दिखाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो कितना लेता है भाई जेट स्की? 400 ना। सो गाइस जैसे कि मतलब जेट स्की वो वाला देख सकते हो, वो जो स्कूटर की टाइप मतलब बाइक की तरह होते हैं ना वो वाला, जो उसका टिकट प्राइस है बोला 400 रुपीज़, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस फिलहाल मैं ये सनग्लास चेंज करना पड़ेगा, वो वाला सनग्लास पहन लेता हूँ। सो गाइस ये मैं ये सनग्लास पहन लिया अभी, बहुत करेंगे बोटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सो लेट्स गो। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो ये मैं जेट स्की पे बैठ गया, तो अभी जेट स्की चलाऊंगा। तो ये देख सकते हो ये छवि है, हाथ इधर रखेगा ना, ये ऐसे रखेगा, ऐसे रहूँगा, ऐसे रखेगा। मैंने जेट्स की सलाह लिया, बहुत मजा आया फ्रेंड्स। सो आप लोग ये बहुत मिस कर रहे हो, आप लोग आइए और जेट्स की सलाह, मेरे तरफ बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो 400 लेता है टिकट, तो 400 टिकट प्राइस, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जगह बहुत स्लिपरी है, तो फिसलने वाला था। 16 में भी एक बार आया था मतलब फ्रेंड्स के साथ, तो पिकनिक मनाने के लिए यही प्लेस था, यही प्लेस था, बहुत खूबसूरत प्लेस है, जहाँ पर मतलब हम लोग पूरा टीम आके यहाँ पर बहुत इंजॉय किया, बहुत डांस किया, तो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इस बार मैं अकेला आया इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी इतना अच्छा व्यू है तो एडजस्ट कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा अच्छा लगाने के लिए। जो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा व्यू आप लोगों को दिखाया, अच्छा लगा तो एक लाइक मार दीजिए। वीडियो आज के लिए इतना ही होगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रहा है, अभी बाहर जाके कुछ खाना पड़ेगा, सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो अभी जाके कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से वापस गुवाहाटी। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कहीं और जगह पे फिर से मुलाकात होगा, तो आज के लिए बाय बाय।